हाय किड्स, हाय सर। यहाँ पर लिखा है, देखो, राइट इन वर्ड्स, इनको शब्दों में लिखना है। कितना है ये? 69। क्या लिखना है? 69। ठीक है, ये कितना है? 97। ओके, अब लिखा है सॉल्व इट, इसको हल करना है। ये क्या है? ये क्या करना है? इसमें जोड़ना है, जोड़ो। 41। अब देखो इसमें कितना आएगा, कैसे घटाएंगे? इसमें से हासिल वाला घटाना है ना, ये कैरी वाला। तो 13 में से 9 गया, 4। अब यहाँ कितना बच गया? 6 में से 5 गया, 1। नेम द मंथ विच हैव 30 डेज। अब वो बोल रहे हैं उन महीनों के नाम लिखने जिनमें 30 दिन होते हैं। बताओ, नवंबर, जून, सितंबर, और है अप्रैल। वेरी गुड। कौन सा? अप्रैल। मैच इट। अब इसमें से तुमने मिलाना है राउंड। राउंड कौन सा? इसमें से गोल, गोल क्यूबिकल, माचिस जैसा। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ट्रायंगुलर, ट्रायंगल, ठीक है, और रेक्टेंगुलर। ओके, मोहन बॉट अ वाटर बॉटल इन 50 रुपीज। मोहन ने एक वाटर बॉटल खरीदी 50 रुपए में, ठीक है, और एक पेन लिया है उसने 25 रुपए में। तो उसने दोनों को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए होंगे? क्या करना होगा? जोड़। किसमें से किसको जोड़ना है? 50 में किसको? 25। जोड़ो, कितना आएगा? 5 और 0 जोड़ के कितना आता है? 75। ठीक है। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राइट इन वर्ड्स, ठीक है, इसको शब्दों में लिखना है। कितना है ये? 159। वेरी गुड, 159। ये कितना है? 405। खुशबू बॉट अ शर्ट ऑफ ₹125 एंड पैंटालून और ₹165। फाइंड आउट हर टोटल एक्सपेंसेज। वो बोल रहे हैं खुशबू ने एक शर्ट ली ₹125 की और एक पैंट ली ₹165 की, तो उसका कुल कितने पैसे खर्च हुए? तो क्या करना है? जोड़ना है। किसमें किसको जोड़ना है? 125 में से कंप्लीट इट। अब इसको कंप्लीट करना है, पैटर्न है 50, 100, 150, 200। अब क्या आएगा? 250। वेरी गुड, 250, 300। यहाँ पे क्या आएगा? देखो, 125, 150, 175, 200। अब क्या आएगा? 275। नो, 275 तो यहाँ आएगा। 225। वेरी गुड, 225, 250, 275। अब देखो, ईच चाइल्ड हैज गिवन 4 फ्रूट्स इन अ पिकनिक। इफ द टोटल चिल्ड्रन आर 23, कैलकुलेट द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स। अब देखो, कुछ बच्चे पिकनिक में गए हैं, ठीक है, हर बच्चे को चार मिले हैं, चार कोई फल मिले हैं, चार, ठीक है, और टोटल वहाँ 23 बच्चे हैं, तो टोटल कितने फल बटे होंगे वहाँ? क्या करना पड़ेगा? एक बच्चे को मिले हैं 4 और टोटल है 23, तो क्या करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए? हाँ, मल्टीप्लाई 23 को 4 से। हाउ मेनी फेसेज आर दी इन देयर इन अ ब्रिक? एक ईंट के कितने फेसेज होते हैं? एक ईंट के 6। वेरी गुड। अ रेक्टेंगल हैज हाउ मेनी साइड्स? एक आयत की कुल कितनी भुजाएं होती हैं? 4। कौन बोल रही है? ठीक है, हाय किड्स, हाय सर। आज देखो, हमने ये क्वेश्चन पेपर, आज आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया था वो ये वाला आया था, ठीक है, फिल द गैप्स। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 500। 1 लीटर में देखो, ml प्लस 200 ml, कितने ml आएगा यहाँ पे? 800। क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? हजार। ठीक है, अब देखो, अ हॉकी ग्राउंड इज 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड। कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, एक ग्राउंड है हॉकी का जिसकी की लंबाई कितनी है? 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 55 मीटर। तो उसकी चारों साइड की हमको क्या करनी है, उसके टोटल क्या करनी है हमको? लेंथ निकालनी है। क्या करना होगा? जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है? क्या करेंगे सबसे पहले?
पहले मीटर लिखेंगे, फिर सेंटीमीटर लिखेंगे, ओके। फिर मीटर 91 एक एक बार और लिखना है, ठीक है। और ये हो गया 55, इन सबको टोटल कर लेंगे। यस सर, कर लोगे टोटल? यस सर। अब देखो अमित है 60 मैंगोज, अमित के पास 60 आम हैं और उसमें से आधे पके हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल राइप मैंगोज, उसके पास कुल कितने पके हुए हैं? 30, 60 का हाफ 30, ठीक है। कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न पूरा करना है, करो पैटर्न पूरा। ICICI has taken a loan of rupees 4000 to buy an NCERT, see return rupees 345 agreement for 1 year. How much money will see return to the bank? ICICI ने 4000 रुपए का बैंक लोन लिया है, ठीक है? और वो हर महीने बैंक को कितने कितने रुपए वापस लौटा रही है? 345. तो वो बोल रहे हैं कि वो बैंक को कुल कितना लौटाएगी? गुणा करना है किसको किससे? 345 को 12 से। 345 को 12 से। जितना भी आंसर आएगा, ठीक है? ओके।